पता है, मैं हमेशा से यकीन करता था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि आपका भरोसा भी टूट जाता है। आपको लगता है कि यार ये जो हुआ ये क्यों हुआ, इसमें क्या अच्छा था। ऐसा ही हमारे साथ हुआ जब हम केदारनाथ जा रहे थे। हमें दो लोग मिले, उन्होंने हमसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो। उन्होंने हमसे बोला कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमारे पास जाने का कोई साधन नहीं है, क्या आप हमें केदारनाथ तक छोड़ सकते हो। तो मैंने बेझिझक बोल दिया कि हाँ आ जाओ। हालांकि मेरा दोस्त इस चीज़ के लिए तैयार नहीं था। उसने बोला कि ऐसे किसी को जब तक तुम नहीं जानते कैसे बिठा सकते हैं। लेकिन मैंने बोला कि यार वो लोग केदारनाथ जा रहे हैं, इतना तो ट्रस्ट कर सकते हैं। तो मैंने उनको अपनी कार में बिठा लिया और हम भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर वहां से चल पड़े। लेकिन कुछ दूर जाकर मुझे समझ आ गया कि कभी कभी जो होता है वो सब कुछ अच्छे के लिए नहीं होता। हमने जो गलती की उसका परिणाम भी हमें भुगतना पड़ा। कुछ दूर जाकर उन्होंने हमारे सर पर बंदूक लगा दी और हमसे कार रोकने के लिए बोला। उन्होंने हमसे हमारे मोबाइल, हमारे पैसे, सब कुछ ले लिया और हमें कार से बाहर उतार कर वो हमारी कार लेकर वहाँ से चले गए। उसके बाद मेरे दोस्त ने बोला कि मैंने तुझे मना किया था कि किसी अनजान को गाड़ी में मत बिठा, लेकिन तूने मेरी नहीं सुनी। फिर मैंने उसे बोला कि एटलीस्ट हम जिंदा हैं, ये काफी नहीं है। हो सकता था कि वो हमें गोली भी मार सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं मारी। कार गई कोई बात नहीं, लेकिन हम जिंदा हैं। तभी मुझे एक कार वहां पर आती हुई दिखाई दी। मैंने उसको हाथ दिया, मैंने उन्हें सब कुछ बताया जो जो हमारे साथ हुआ और मैंने उनसे हेल्प के लिए बोला। उस दिन मुझे भी ऐसा लगा कि हमेशा जो होता है वो अच्छे के लिए नहीं होता है। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने मुझे बताया, मैं शॉक्ड हो गया। क्योंकि जो लोग हमारी कार चोरी कर कर जिस रास्ते से उसको लेकर जा रहे थे, वो पूरा का पूरा ब्रिज टूटकर गंगा में समा गया था और उसी रास्ते से हम भी जा रहे थे। अगर हम उस रास्ते से जाते और हमारी कार चोरी ना होती तो शायद आज हम इस दुनिया में नहीं होते। उस दिन मुझे लगा कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है।